फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपको एक्सेल की प्रोडक्ट शीट कैसे कर सकते हो, मतलब कि अपनी एक्सेल की शीट को प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो। आप उसमें सेव करके जाते हो और कोई आपको डेटा चेंज ना कर दे, एडिट ना कर सके, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिखाते हैं। आज आपको देखते हैं एक्सेल की शीट पर। तो ये मैंने विंडो प्लस आर करा, देन एक्सेल ओपन कर लिया मैंने, ओपन एक्सेल, एक्सेल इसको भी एमएस एक्सेल भी कहते हैं, एक्सेल भी कह देते हैं, ओके। और एडवांस एक्सेल भी यही होता है, कोई अलग चीज नहीं होती, एडवांस एक्सेल भी इसी के अंदर होता है, ओके। तो एडवांस एक्सेल का ही मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी बात करते हैं, जिसकी शीट ओपन, जिस मैं टाइप कर रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देता हूँ लैपटॉप पर। और जी यहाँ लिख दिया मैंने माई यूट्यूब फैमिली, ओके, माई यूट्यूब फैमिली के नाम से मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया है। तो अब देखते हैं इसको, प्रोडक्ट देखो हमें एक तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अब ये एडिट ना कर पाए कोई। मैं इसमें पासवर्ड ऐसा लगा दूँ जो मैं, मुझे ही पता हो तो मैं एडिट कर सकता हूँ, ना हो कोई नहीं कर सकता। तो करते हैं कैसे करेंगे, तो जाना है हमें सबसे पहले रिव्यू टैब पर। कौन से रिव्यू टैब, यहाँ पर दिख रहा है रिव्यू टैब, के बाद हमें जाना है यहाँ पर प्रोडक्ट शीट, प्रोडक्ट शीट पर जाना है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट शीट पर जाने के बाद तो पासवर्ड वगैरह सारी चीजें हम एक बार आपको दिखाते हैं हम अच्छे से। तो प्रोडक्ट शीट पर जाना है, प्रोडक्ट शीट पर क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का ऑप्शन आया है, देखो जैसे कि आ रहा है पासवर्ड को एंड प्रोडक्ट शीट, मतलब कि पास अनप्रोटेक्ट करने के लिए शीट को। मैंने यहाँ पर वन जो पासवर्ड लगा रखा था मैंने इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं लिख देता हूँ इसकी पासवर्ड लगा देता हूँ, ओके करा। उसके बाद एक ऑर्डर री एंटर पासवर्ड फॉर शीट, फिर मैंने दोबारा पासवर्ड लगा दिया, देन एंटर कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए यार, मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमें दे रहा है द सेल और चार्ट यू ट्राइंग चेंजेस ऑन प्रोडक्ट शीट टू मैक चेंज ऑन प्रोडक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड, मतलब कि बोल रहा है कि आपको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अनप्रोटेक्ट करोगे फिर आप कुछ एडिट कर पाओगे, क्लियर है। तो हम इसको देखते हैं, अनप्रोटेक्ट करके दिखाते हैं आपको, इसकी रिव्यू के अंदर ही जाना है आपको। और ये अनप्रोटेक्ट शीट दिख रही है, अनप्रोटेक्ट शीट जाने के बाद हमने जो पासवर्ड लगाया था, क्या लगाया था आपको पता है, मैं तो भूल गया। तो पासवर्ड क्या लगाया था हमने, देखते हैं, डालते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं क्या था पासवर्ड। याद आया, डाल दिया हमने पासवर्ड इसमें, हमारी देखो प्रोटेक्ट से अनप्रोटेक्ट जो लिखा हुआ था प्रोटेक्ट हो गई, मतलब कि अब इसको अनप्रोटेक्ट हो गई, तो ये देखो हम उसमें एडिट कर पा रहे हैं। समझ आया, ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पे आपको किस चीज की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिखें, ओके ओके, टाटा बाय बाय।